सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, शाम के 5:15 बज चुके हैं और मैं तैयार हूँ। और कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार कहीं चलते हैं, प्लान करते हैं कहीं घूमने का। तो हम लोग जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने, आशीर्वाद लेने। तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी जा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि वो पहली बार जा रहे हैं, आज तक कभी गोल्डन टेम्पल गए नहीं, और मैं कम से कम 6-7 बार हो आया हूँ। तो चलो चलते हैं। और बैग पैक है मेरा, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे, तो कल ही रात को आ जाएंगे। तो अभी हम लोग शाम हो गई है और ट्रेन हम लोग को पकड़ना है, तो चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए हैं रोड पे, और मतलब वैसे रोड पे नहीं, हम लोग हो गए हैं तैयार और 4 लोग जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ। भाई अपना नाम बताओ यार पहले। राजन धीमान। राजन, यही पहली बार जा रहा है? और भाई विपुल चौधरी। पहली बार जा रहे हो कि जा चुके हो? पहले जा चुके हो। चलो ठीक है, तुम पहली बार जा रहे हो? या दिस वर। भाई तुम पहली बार जा रहे हो कि जा चुके हो? नहीं नहीं, पहली बार। पहली बार जा रहे हैं भाई, सब लोग अधिकतर पहली बार जा रहे हैं। मैं 4-5 बार जा चुका हूँ, और राजन का सॉरी रविंदर का वेट कर रहे हैं, वही पहली बार जा रहा है। तो चलो 5 जने हो गए हैं। भाई का चलने से प्लान बन गया? हाँ, चलो भाई कहाँ जाना? ऑटो के लिए ना? नहीं नहीं, और क्या ऑटो तो पकड़ोगे, और क्या पकड़ोगे? मुझे क्या पकड़ना है? तो रविंदर का है। चलो फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, ऑटो उन्होंने ले लिया है। रविंदर भाई आगे बैठे हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं। यहीं से हम लोग को बस मिलेगी जलंधर के लिए। जलंधर कैंट का हम लोग ने लिया हुआ है टिकट, मतलब वहीं से लेंगे, वहीं से स्टेशन है, और वहीं से ही हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। तो वेट कर रहे हैं हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा रश है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अभी ऑटोज़ वगैरह आएंगे, ऑटोज़ तो जाना नहीं है, सीधा हम लोग को जाना है बस से। गाइस, फाइनली वेट करने के बाद एक बस आ रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, फाइनली हम लोग की बस रुक गई थी, और इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा रश था, दिखाई नहीं पाए इतनी जल्दी लोग भरे कि मैं क्या बताऊँ। अब हम लोग पहुँच गए हैं जलंधर कैंट, और यहीं पर स्टेशन है जस्ट सामने। ये देखो, हम लोग यहाँ पर उतरे हैं, और जस्ट सामने स्टेशन है, तो वहाँ उतरते हैं, रोड हम लोग पार करते हैं बड़े आराम से, और स्टेशन पहुँचते हैं। 6:30 की ट्रेन है, अभी 6 बजने वाला है करीब। ठीक है, जल्दी चलते हैं। तो गाइस, हम लोग जलंधर कैंट स्टेशन से पहले उतर गए, क्योंकि जलंधर कैंट स्टेशन पर ये लोग नहीं रुकते हैं। जलंधर कैंट जो स्टेशन है ना, वो खुद का स्टेशन है ही नहीं, मतलब रोड ही पड़ता है स्टेशन, तो ये रोकते तो है नहीं। या तो जलंधर सिटी के स्टेशन पे रोकते हैं, या तो ऐसी रोड पे रोक देते हैं। तो हम लोग रोड ही पे उतर गए, हम लोग ध्यान नहीं दिए, 1 किलोमीटर आगे है जलंधर कैंट। ठीक है, तो भाई हम लोग जा रहे हैं सब लोग। चलो भाई, इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के लिए मैं व्लॉग बनाता हूँ, कल को याद करेंगे, देखेंगे हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तो मज़ा इसी में आता है, इसलिए हम चलते हैं। बाकी धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं रुमाल लगा लेता हूँ मुँह पे। ठीक है, पहुँचते हैं स्टेशन, तब बात करते हैं आपसे। ठीक है, चलो। तो गाइस, भाई साहब मूत रहे हैं, देख लो, ये देख लो। तो गाइस, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच ही गए हैं, तो बस अब ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। 15-20 मिनट पहले हम लोग पहुँच गए, अच्छी बात है, 20-25 मिनट पहले ही पहुँचना चाहिए। और अब हम लोग ये लाइन पार कर रहे हैं, आराम से लाइन पार करते हैं हम लोग। और भाई अपना टॉयलेट करके आई गया, हाथ नहीं धुला, भाई इसे दूर रहना छोड़ कर के लिए। ठीक है, बाकी मैं जा रहा हूँ उन तीनों भाइयों के पास। कुल मिला के हम लोग 5 लोग जा रहे हैं, ये लोग पहली बार जा रहे हैं, मैं तो 4-5 बार हो आया हूँ जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, तो इन लोग का पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस मैं व्लॉग के जरिए इन लोग को भी यादगार बनाऊंगा, इन लोग का भी है कि नहीं? नहीं। चलो, ये हम लोग स्टेशन आ गए। तो गाइस, फाइनली हमने टिकट ले लिया, और एक टिकट आपकी 60 रुपये की है अमृतसर की जलंधर कैंट से। तो हम लोग 6 लोग हैं, तो 300 रुपये लग गए टोटल। ठीक है, तो गाइस फाइनली हम लोग को ट्रेन तो मिल गई है, हम लोग जनरल डब्बे में बैठे हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, और लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, हम लोग को सीट तो मिली नहीं। ये देख लो, भीड़ भड़क का बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलो ठीक है, नॉर्मल, ये जनरल के हिसाब से तो नॉर्मल है। ऊपर की सीट हालांकि खाली है, पर कोई बैठ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बैठूंगा। ऐसे बताओ भाई, बैठ सकते हैं आराम से, तो चाहो तो है ना, अलग अलग दिन बैठना पड़ेगा, जगह है, खुला खुला है, लूज है नहीं भाई, जगह है, लेकिन अलग अलग बैठना पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली नहीं, तो भाई ये व्लॉगिंग इशूज होते हैं ना, बैक कैमरा ज़्यादा। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए अमृतसर, और 8:10 हो गए रात के, और हम लोग चलते हैं, और हम लोग को रूम वगैरह ढूंढना है।
जल्दी चलो, जल्दी वहाँ से हटो। रविंदर, रविंदर जल्दी वहाँ से हटो। कहाँ जा रहा है? इधर से उतरना, इधर से उतरना। ये चलो भाई, चल यार देख 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 देख, अंकल ट्रेन तोड़ रहे हैं। अंकल ट्रेन में डीजल डाल रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अमृतसर, और अब हम लोग को भाई सबसे पहले काम क्या है अमृतसर पहुँच करने के बाद, हम लोग करना क्या है पहले होता है? इंटरकोर्स। इंटरकोर्स नहीं, मतलब अभी हम लोग पहले ऑटो ढूंढने आ रहे हैं, तो हम लोग अमृतसर गोल्डन। अरे बस में फ्री में जाएंगे। बस कहाँ है? बस तो रोड पे होगी ना। फ्री आती है कहाँ? बस फ्री में जाती है वो। हाँ एक बस होती है फ्री में जाती है। देखो बस मिलती है तो फ्री में चलने गए तो फिर ऑटो काटना ही पड़ेगा। सर जंक्शन में हम लोग चश्मा निकालते हुए, चश्मा ढूंढते हुए कि भैया फोटो वगैरह खिंचाएंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा। चश्मे की खोज करते हुए पांच जने हैं, कैंडिडेट पांच है चश्मा एक है। मुझे भी डरा दिया, मैं भी बंद कर दिया भाई। तो देखो चश्मा कौन सा है। तो गाइस एक लौता चश्मा ये हम लोग को मिल गया है, और अभी हम लोग जब हम लोग घूमेंगे ना सुबह, अभी तो रात हो रही है, तो हम लोग ये चश्मा लगा के घूमेंगे। और तो आप भाई जानते हैं हैंडसम है बचपन से। तो गाइस फाइनली हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं अमृतसर। भाई दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा लेंस फ्लेयर हो रहा है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ। अमृतसर थोड़ा ऐसे आ रहा है। लेकिन भाई ये तो मज़ा है, दोस्तों के साथ आओ ना तो इन्जॉयमेंट अलग फुल होता है भाई। वैसे घर वालों के साथ आओ तो इतना वो नहीं मिलता है, एडवांटेज नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, एक दिन की बात है तो मज़ा आता है। फोटो खींचना यार। चलो भाई फोटो शूट कर लेते हैं। भाई लड़का चांदो चश्मा चश्मा लाया हुआ है, स्मार्ट लग रहा है, और कुछ दिन के लिए आया हुआ है, तो भाई चलो फोटो खींच लेते हैं। जानते हो मेरे पास आईफोन है, जानते हो भाई राजा मैं हूँ, और इस ट्रिप का मैं राजा मैं ही हूँ, तो भाई फोटो खींचूंगा। सिंपल सी बात है तो व्लॉग बंद करते हैं। ठीक भाई, हम लोग को फाइनली ऑटो मिल गया है 20 रुपये में। 1 2 3 4 5 ये अबे चश्मा कहाँ गया? वो ये आ रहा है। ये चश्मा लो, हाथ में ले रखा। किसने टच किया उसको? बड़ा गाइस चलो अब चलते हैं, ज्यादा हो गया है। तो गाइस ये लोग फोटो शूट करा रहे हैं, देख लो भाई मेरी फोटो कोई नहीं खींच रहा है यार, देख लो भाई, देख लो। ओके ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इस बंदे को, देख रहे हो रविंदर की। मैं अभी फोटो डाल दूंगा जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, इसकी फोटो डालूंगा, कितनी तगड़ी तगड़ी मैंने फोटो खींची है, मेरी फोटो कोई खींची नहीं रहा बताओ। और अभी हम लोग अमृतसर नहीं गए, अभी बोला अमृतसर में गोल्डन टेम्पल नहीं गए, गुरुद्वारे में नहीं है, अभी हम लोग बाहर फोटो शूट करा रहे हैं। बताओ ये बंदे को देखो, ये इसकी फोटो खींच लिया है ना भाई, अब ये खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में चल रहे हैं, और यहीं से रास्ता है गोल्डन टेम्पल का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। अभी आगे आप लोग देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइस वैसे तो मैं एक्साइटेड नहीं होता इतना, गोल्डन टेम्पल में आता रहता हूँ, लेकिन एक्साइटेड में सबसे ज़्यादा यूँ ये हूँ क्योंकि ये अभी तक नहीं आए थे। गली गली कह रहेगा, एक बार भी ये नहीं आया, तो इनका मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि ये चारों लोग को क्या रिएक्शन है इन लोग का, बस ये देखना चाहता हूँ बस। वैसे तो मुझे पता है। ठीक है चलो हम लोग आ गए। तो गाइस फाइनली हम लोग गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं, उससे पहले हम लोग गुरुद्वारे में एंटर करें, इससे पहले हम लोग को जूते वगैरह उतार रहे हैं हम लोग, और जूते घर में हम लोग अपना जूता सबमिट करने जा रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग को लगेज भी रखना था अपना बैग वगैरह, तो हम लोग लगेज हाउस जा रहे हैं, और पांच अपने बैग इकट्ठे हम लोग इसी रूम में रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या ही मैं बोलूं, बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्डन टेम्पल फर्स्ट टाइम देखा ब्रो। तो
तो गाइज अभी हम लोगों ने मेन गोल्डन टेम्पल की दर्शन तो नहीं किए, तो हम लोग को वैसे भूख लग गई थी, रात में आए हम लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने खाने के लिए सॉरी लंगर करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। देखो गाइज फाइनली हम लोगों ने लंगर वगैरह भी कर लिया और मत्था वगैरह भी टेक लिया है, कि अभी तक हम लोगों ने अंदर मत्था नहीं टेका है गोल्डन टेम्पल में। हम लोग सुबह जाएंगे और अभी रात के 12 बज गए और 3 बजे द्वार खुलेगा तब तक हम लोग जाएंगे। बाकी अपने दोस्तों से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ आके। भाई भाई तो कैसा लगा एक्सपीरियंस, भाई तुम लोग अपना पहले शेयर करो। भाई बहुत बढ़िया लगा, बहुत देखने वाली अच्छी जगह है, सभी को आना चाहिए गोल्डन टेम्पल, लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और भाई अपना था? भाई बहुत बढ़िया था। आगे हमारे मनस जी बताइए। अच्छा था भाई। तुम्हें कैसा लगा जैसे यहाँ पर आया, तुम्हें मतलब कैसा फील हुआ, क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी? सब अच्छा था यहाँ, खाना तो बेस्ट था, लंगर का। कहाँ गया अपना, चुप कहाँ गया? नेम सीरियसली अरे बताओ अपने हिसाब से, जो तुम्हें सही लगे वो बताओ, कोई मतलब ये नहीं। अरे अप्रितम है, अप्रितम अप्रितम ये क्या होता है पता नहीं मुझे भी। चलो गाइस, तो गाइस फाइनली अभी हम लोग रात के 12 बज गए हैं, ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे थोड़ा राउंड वगैरह मारने की, देखते हैं मार्केट में क्या है। वैसे तो बंद ही लग रही है मार्केट पूरी, मुझे लग रहा है देख लो मार्केट बंद ही है। और 3 बजे हम लोग को उठना है, तो अभी 12 बज गए हैं, तो अभी 2 घंटा में सोना है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि चलो बाहर घूम लेते हैं, कुछ टहल लेते हैं, तो मैं कहा चलो भाई टहल लेते हैं, फिर 1 घंटा नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, उसके फिर हम लोग को कल सारा दिन घूमना है। कहाँ कहाँ घूमना है वो कल के ब्लॉग में आएगा। बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने रुकने का तो प्रबंध किया नहीं था, तो गाइज रुकने का तो हम लोगों ने प्रबंध किया नहीं था, तो हम लोग अरे भाई भाई नौटंकी ना कर यार, आ जाएंगे तुम। तो गाइज हम लोग का रुकने का तो प्रबंध किया नहीं था हम लोगों ने, तो हम लोग ने रात को किसी तरह मिला हम लोग को सोने के लिए, तो हम लोग गद्दा उद्दा लेके आ रहे हैं गद्दे वाले रूम से। ये देखो गद्दा जी, क्या चल भाई चल कहीं भी लेटा तो भाई सोया जाए। गाइज रात के 12:30 बज गए हैं और हम लोग को 2:30 बजे 3 बजे उठना है, फिर से 2 घंटे की नींद करनी है किसी तरह, क्या बताऊँ। और हम लोग अभी भी रात के 12:30 बजे भाग रहे हैं हम लोग, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ सोने को। चलो अब फाइनली हम लोग को गद्दा मिल गया है और हम लोग गद्दा सो रहे हैं, गद्दे में सोने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है चलो। अरे अरे और उधर करना, मैं अपना ले लूँ। चलो भाई ये बढ़िया पाया अपना जगह। तुम कहाँ सोने वाले थे? मैं यहीं सोने। उधर उधर तो क्या हुआ, गद्दा तो मिल ही गया ना। अरे चलो उधर सो जाते, उधर जाते, बात तो एक ही थी, 2 घंटे की नींद करनी थी। अरे यहीं आ जाना, चेक कर मुंडे मित्र चेक कर। तो गाइस व्यू चेक करो। तो गाइस हम लोग को यहाँ पर बेड मिला हुआ है और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, 1 घंटे 2 घंटे की नींद है। बाकी आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। बाकी आप लोग गद्दे चेक कर लो, बंदे हमारे चेक कर लो, गद्दे चेक कर लो। भाई गजब की नींद आ रही है यहाँ पे साले जेठालाल। गद्दे चेक कर लो भाई, चल 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 चल। तो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं 2 घंटे बाद नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।